सो फर्स्ट मिस्टेक ये रहता है कि बॉडी को हम लोग बहुत झुला झुला कर परफॉर्म करते हैं, मोमेंटम के साथ परफॉर्म करते हैं ऐसे। दूसरा मिस्टेक, हाथों को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाना, इतना इतना इनफ है, इस पे पूरा मसल्स पे टेंशन पे लोड आ रहा है। तीसरा मिस्टेक जो हर एक एक्सरसाइज में लोग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग, वेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं और उसको बस किसी भी तरह परफॉर्म करते हैं झूल झूल कर, जैसे ये करने का कोई फायदा नहीं है, वेट इतना ही रखना है जिसको कि हम लोग फुल्ली कंट्रोल के साथ परफॉर्म करें। हाथों को ऐसे आधा खोलना है या पूरा खोलना है तो क्या करना है, हाथों को अच्छे से खोलना है, बस हल्का सा एल्बो क्या रहेगा हमारा, बेंड रहेगा। ऐसे ओवर एक्सटेंशन करके हम लोगों को ऐसे परफॉर्म नहीं करना, हल्का सा एल्बो स्लाइटली बेंड रहेगा, ठीक है। और रिस्ट का पोजीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रिस्ट हमेशा हमारे शोल्डर और एल्बो से क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। ऐसे अपवर्ड पोजीशन में ऐसे परफॉर्म नहीं करना, हम लोगों को क्या करना है, रिस्ट हमेशा शोल्डर और एल्बो के नीचे रहेगा ऐसे। इस तरह हम लोगों को अच्छे से कंट्रोल के स्लाइटली हल्का सा बॉडी को आप लोग लीन रखिए, आगे की तरफ झुका के रखिए हल्का सा, ये ऐसे करना भी नहीं है, ठीक, एकदम बॉडी हल्का सा लीन रहेगा, फिर ये कंट्रोल के साथ फुल परफॉर्म करेंगे, फुल्ली कंट्रोल के साथ हम लोग परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा रोक सकते हैं, ऐसे पॉज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। निगेटिव को अच्छे से कंट्रोल करना है, 10-15 रेप से परफॉर्म करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 2.5 kg का डंबल ले लिए या बहुत ज़्यादा लाइट डंबल ले लिए और ऐसे 50 बार झूले जा रहे हैं।